वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं वर्कशीट नंबर 31 जो कि है 9th क्लास की साइंस के सब्जेक्ट की। तो इसके अंदर जो हमारा जो टॉपिक है वो कंटिन्यू हो रहा है मोशन। इसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सेलरेशन। आइए चलते हैं एक्सेलरेशन के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। वी नो दैट इन अ यूनिफॉर्म मोशन देर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी। लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि यूनिफॉर्म मोशन में कोई चेंज नहीं होता वेलोसिटी में। याद है आपको वेलोसिटी क्या थी? वेलोसिटी एक तरह की स्पीड ही है। स्पीड में होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, फॉर्मूला सेम ही है, लेकिन जो वेलोसिटी का जो डिस्टेंस ये स्पीड से जो रिलेशन है उसके अंदर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है। याद आया कुछ? इसके अंदर हमें डायरेक्शन भी पता चलती है कि किस तरफ जा रही है स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पर वो बात कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन ऐसा होता है जिसके अंदर वेलोसिटी चेंज नहीं होती। सिंपल है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बट इन अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन लाइक अ कार रनिंग ऑन अ रोड इन अ ट्रैफिक। तो ट्रैफिक में अगर आपने गए हो तो आपने क्या होता है, कार या बाइसाइकिल भी ले लो, साइकिल चलाई होती है, कभी कभी आप ब्रेक मारते हो, तो ब्रेक मारते हैं तो स्पीड कम होती है, बढ़ती है, तो उसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा ना चलना। इट्स वेलोसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग विद टाइम। We represent the change in velocity with respect to time with another physical quantity known as acceleration. ठीक है, तो ध्यान रखें इस चीज को। ये जो चेंज होता रहता है जो मोशन, उसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। आपने सुना होगा एक्सेलरेटर, ब्रेक और क्लच। ये होता है ना हमारे गाड़ी के अंदर जो होता है, ये तीन चीजें होती हैं। एक्सेलरेटर जो बाइक में भी होता है ना, वो जो हम बढ़ाते हैं स्पीड, उसे कहते हैं एक्सेलरेटर। उससे पता चलता है कि स्पीड बढ़ाई जा रही है। तो एक्सेलरेशन होता है जब वो वेलोसिटी जो है चेंज होती रहती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ। तो इट्स फॉर्मूला इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, एक्सेलरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। दिस कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। चेंज चेंज जब भी आता है ना, देखो आपकी एज कल से कितनी बढ़ गई, एक दिन बढ़ गई, तो आपने चेंज पता लगाया कैसे? आज जो एज है जो कल एज थी उन दोनों को माइनस करके। तो उसी तरीके से जो आज जो वेलोसिटी है मतलब फाइनल माइनस इनिशियल जो स्टार्टिंग में थी उसे कहते हैं चेंज। तो वी माइनस यू, तो वी हम बोलते हैं फाइनल को, यू बोलते हैं इनिशियल को। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग, तो अपॉन टाइम। अब यहाँ पे एम एस माइनस टू क्यों आया? मेरे को इसको थोड़ा सा समझाने में आपको 2 सेकंड लगेंगे। ये माइनस टू क्यों आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इन्होंने यहाँ पर डिटेल इसके बारे में बताई नहीं है, तो आइए चलते हैं इसको देख लेते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखें। वी क्या था? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो पहले मैं इस चीज को कैसे लिख रहा हूँ वो समझें कि मैं इसको लिख रहा हूँ वी, एक सेकेंड, v माइनस u डिवाइडेड बाय t। ठीक है, ऐसे लिख रहा हूं मैं, जरा समझे। v क्या है? मीटर पर सेकेंड, माइनस मीटर पर सेकेंड क्या है? v की वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी यहां पे जाती है मीटर पर सेकेंड में। और u क्या है? ये भी मीटर पर सेकेंड हुआ, डिवाइडेड बाय टी। डिवाइडेड बाय टी का मतलब हो गया सेकेंड्स। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड कितना हो गया? पहला हो गया एम वन इस तरीके से। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, एम वन माइनस एम टू, बेसिकली ये टू हो गया पहला, दूसरा मान लेते हैं, अपॉन सेकेंड हो गया मल्टीप्लाई वन अपॉन सेकेंड। तो डिवाइड जो होता है वो राइट वाला जो होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो सेकेंड इंटू सेकेंड, सेकेंड का स्क्वायर। तो यहाँ पर आ गया मीटर अपॉन सेकेंड का स्क्वायर, ये आ गया। अभी ऊपर जब जाता है तो इसको हम लिख देते हैं मीटर इंटू सेकेंड की पावर माइनस टू। तो ये सारी की सारी जो मैथ लगाई गई है इसके अंदर वो है एक्सपोनेंशियल पावर्स वाला, जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स वाला है ना। मैंने एक वीडियो भी डाल रखी है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाके देखें, वीडियो की लिस्ट में जाके देखें, रिसेंटली डाल दिए, उसमें आपको ये लॉ समझ में आ जाएंगे। तो कोई बात नहीं, अगर आपको ये डाउट हो अभी भी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं।
उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आ गया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि समझ में आ गया, तो अच्छा लगता है आपसे बात करना। ऐसे आगे चलते हैं, आगे इन्होंने क्या बोला है एक्सेलरेशन के बारे में, फिर दोबारा इन्होंने कुछ थोड़ी सी डिटेल बताई है डेफिनेशन के फॉर्म में, वो देख लेते हैं। इफ फाइनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मोर देन इनिशियल वेलोसिटी देन इट इज पॉजिटिव। ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है, बड़ा माइनस छोटा पॉजिटिव होगा, और इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। द मोशन इज ऑल्सो नोन एज रिटार्डेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रिटार्डेशन क्या होती है? देखो रिटार्डेशन एक इंग्लिश वर्ड है जिससे आपको समझ में आना चाहिए कम होना, एक्सेलरेशन हो जाता है बढ़ना। ठीक है, जब चीज कोई चीज पॉजिटिव में आती है उसे कहते हैं एक्सेलरेट, बढ़ना, अच्छी चीज है। रिटार्डेशन हो गया कम होना। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दे रखा है, उसको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है, लेट अस अज्यूम अ कार इज एट रेस्ट। रेस्ट का मतलब होता है उसकी वेलोसिटी है जीरो। ठीक है, व्हेन इट इज स्टार्टेड इट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड्स। सो बेसिकली वो स्टार्ट हुआ जीरो से और पहुंच गया 5 मीटर पर सेकेंड पे, कितने, 2 सेकेंड के अंदर। व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन? तो हमें पता है एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर है, वी माइनस यू, 5 माइनस 0 अपॉन 2, तो 5 माइनस 0 हो गया 5 अपॉन 2, 2.5, 2.5 ms^-2। अब भूलना मत power-2 लगाना, power-2 क्यों आती है वो हम पहले ही समझा चुके हैं। अब यहाँ पे तीन तरह की इन्होंने वेलोसिटी के बारे में बात करी है, दो तरीके के बेसिकली। एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो बढ़ना, बढ़ने को एक्सेलरेशन बोलते हैं, ये उसका ग्राफ हो गया। एक्सेलरेशन कैन बी यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, दो तरह के होते हैं, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। यूनिफॉर्म होता है जब बराबर बराबर बढ़े, तो बराबर से हमारा जो मतलब है वो ये है, अगर यहाँ से यहाँ तक उसको बढ़ने में 1 घंटा लगा 10 का, तो 2 घंटे में उसको 20 हो जाएगा, तो बराबर बराबर हो रहा है ना। वेरा जिसमें देखें 1 घंटे में उसने, देख लेते हैं इसको, ये देख रहे कम हो रहा है, इसको हटा के देखते हैं इस ग्राफ को। तो 1 घंटे में देखिए बस इतना ही चला उसने, और दूसरे घंटे में इसने बहुत ही ज्यादा चल लिया, और तीसरे घंटे में देख रहे हैं अलग तरीके से चल रहा है। तो यहाँ पर जो गैप है वो अनइक्वल है, तो इसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये तो एग्जांपल हो गया, ये कार जो ट्रैफिक में फंसी होती है वो इस तरीके से चलती है, कभी ज्यादा कभी कम। तो आइए चलते हैं इसके बेसिस पे, कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं उनको भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एक्सेलरेशन एंड उसका फॉर्मूला बताएं और एक्सप्लेन करें उसका SI यूनिट। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन इन्होंने यहाँ पे दे रखी थी, द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। ये थोड़ा सा इसके बारे में आप यहाँ पे डेफिनेशन के बाद इसका फॉर्मूला भी बता दें, और इसका ये SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ एन एक्सेलरेशन इज दिस, -2 तक लिखिएगा, -2 तक पूरा। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है एन एरोप्लेन अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड्स। तो आप बताइए इसका इनिशियल क्या है? इन्होंने बताया तो है नहीं कि इनिशियल क्या है, इनिशियल क्या होगा, ऑब्वियसली इनिशियल होगा जीरो और पहुंच गया 200 पे, तो 200 - 0 / 30 सेकेंड्स। ध्यान रखें मीटर पर सेकेंड है तो ये सेकेंड में ही होना चाहिए, अगर सेकेंड में नहीं हुआ तो कन्वर्ट करना है, वैसा क्वेश्चन आएगा तो हम बताएंगे आपको। तो आंसर आ गया यहाँ पर 200 / 30, 0 से 0 कट गया, तो 20/3, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं, तो 6 × 12 = 18, तो 2/3 ms·2 / 2। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 3 की तरफ चलते हैं। आंसर नंबर 3 बोल रहा है एक्सप्लेन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वहाँ पे ग्राफ भी दिखाना है, तो यहाँ पर आपको ये पूरा का पूरा आप ये लिख सकते हैं इसके बारे में।
वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। तो आंसर नंबर थ्री की तरफ चलते हैं। आंसर नंबर फोर लास्ट आंसर है हमारा। अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्म फ्रॉम 5 to 10। अब उसने इनिशियल बोल दिया, इनिशियल जो हो गया आपका ये हो गया 5 और फाइनल हो गया 10। अब 5 सेकंड लगे उसको ये करने में, तो आइए चलते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 - 5 और इसको टाइम कितना लगा, 5 लगा। तो 5/5 कितना हो गया, 1 m/s/2। तो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन, ये हो गया ए A=2। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। पसंद आया हो वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें और अपने सजेशन हमें देते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।